दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे जीवन में एक सामान्य प्रॉब्लम होती है जो सभी के जीवन में कहीं ना कहीं आ ही जाती है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें हमें उतना आउटपुट या उतना हमें फल नहीं मिलता है अपनी मेहनत का। सभी लोग सोचते हैं कि यार हम मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं जितना सक्सेसफुल आदमी करता है, दिन रात एक कर देता है उतनी हम कर रहे हैं, फिर भी हमको उतना आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस बात पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा जो मैं इस कहानी के जो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उसके बाद में बताऊंगा कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। अगर ये बात आपको समझना है तो ये स्टोरी आप जरूर सुनिए। दोस्तों होता है क्या है कि एक आदमी को पता चलता है कि अगर सच्चे मन से एक भगवान का अगर अध्ययन किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए तो वो आपको दर्शन देंगे। तो इसी लालच में वो हिमालय की ओर चल पड़ता है और भगवान के बारे में बहुत ही गहराई मन से और सच्चे मन से वो सोचता है। भगवान खुश होकर उसको दर्शन भी दे देते हैं। दर्शन देने के बाद में वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, पर उस आदमी का अंदर के मन का लालच और बढ़ जाता है और बढ़ जाने के बाद वो सोचता है कि अब मैं इतनी दूर आया हूँ, भगवान के दर्शन भी पा लिए तो भगवान मुझे खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। अब भगवान उसके मन की बात समझ जाते हैं तो भगवान उसे बोलते हैं कि कहो तुमने मुझे कैसे याद किया। तो वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु आप एक बात बताइए कि आपके लिए करोड़ों वर्ष कितने समय के बराबर होते हैं। उन्होंने कहा कि एक मिनट के बराबर। अच्छा, तब उसने फिर एक सवाल पूछा कि आपके लिए करोड़ रुपए कितने बराबर होंगे। बोले एक रुपए के बराबर। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक रुपए मांग लूं तो मुझे करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो उसने बोला तो आप मुझे एक रुपया आप मुझे दे देंगे। तो उसने बोला बिल्कुल मैं दूंगा इसमें। तो बोला जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उन्होंने बोला पर एक मिनट रुको। दोस्तों आपको समझ में आया वो एक मिनट का मतलब कि भगवान ने कहा था कि एक मिनट मतलब उनके लिए करोड़ों वर्ष बराबर, मतलब अभी भी उसको अगर वो एक रुपया चाहिए तो करोड़ों वर्ष रुकना पड़ेगा। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमें समय से पहले और नसीब से ज्यादा ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। बस आप अपना काम करते जाइए, अगर आप अपना काम रोक देंगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। होता ये है कि हम लगातार काम तो करते हैं बट हम सोचते हैं कि यार अब सही आउटपुट नहीं मिलता और हम अपना काम करना बंद कर देते हैं और वो आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाता है। दोस्तों आपने कभी पेड़ लगाया होगा, कभी पौधा लगाया होगा तो उसको अंकुरित होने में कुछ समय लगता है, फिर उसके बाद तब जाके वो पेड़ में पेड़ का रूप लेता है और फिर उसके बाद में तब जाके उस पर फल लगते हैं। मतलब आपने पौधा लगाया और फल लग गया ऐसा तो आपने कभी देखा होगा क्या? नहीं ना। तो वैसे ही अगर आप अपनी मेहनत करते जाएंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल भी जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही आप बने रहे चैनल के साथ और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों एक नए दिन में आपके दिल के पास जरूर पहुंच जाऊंगा। मैं देवत अग्रवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ में अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और सुना तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो भी थैंक्स और नहीं किया तो भी थैंक्स। दोस्तों इसी तरह देखते रहे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। एंड आल्सो 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन।